हेलो दोस्तों जी, मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत है। जैसे आप देख सकते हैं रेडमी नोट 10T 5G, इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन ऑन कंडीशन में है। इसमें वीडियो या कैमरा ऑन करते हैं या कॉल आता है तो ऑटोमेटिकली ये फ़ोन रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रिस्टार्ट वाला प्रॉब्लम जो है ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये फ़ोन बंद हो के फिर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी तक फ़ोन चल रहा है ठीक ठाक। अभी हम वीडियो को चलाते हैं, फिर आपको चेक करके हम बता रहे हैं कि कैसे इसको बंद होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो प्ले हुआ, जैसे वैसे ये फ़ोन आपका बंद हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिर ये स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम करके दिखाने वाले। मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर ले। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पीछे का जो पैनल है इसको पहले खोल लेना है, सिम को निकाल लें। इस तरह से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डाली जाती है, तो इस चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ये फ़ोन ओपन मेरा हो चुका है। उसके बाद क्या करना है वो देखे ध्यान से। आपको मदरबोर्ड में कोई भी काम नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, बस ध्यान से देखे इस वीडियो में। मदरबोर्ड में कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरबोर्ड भी एकदम फ्रेश दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से पहले रेपर को निकालें। बैटरी का जो रेपर है उस रेपर को पहले सबसे पहले यहाँ से निकाल लें आप। ठीक है, जैसे रेपर देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है। उसके बाद ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पे कॉइल नज़र आ रहा है। ठीक है, कॉइल नज़र आ रहा है जो कि आप एक तरह से समझ सकते हैं ये फ्यूज है, बैटरी का फ्यूज है, फ्यूज का काम करता है। हल्का यहाँ स्क्रैच कर लें। उसके बाद वहाँ पे पेस्ट लगा ले। ठीक है, एक जम्पर वायर ले लेना है आपको। जैसे हम कर रहे हैं वैसे सेम आप भी करिए, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान से देखें। एक दूसरे को यहाँ पे शॉर्ट करना है। ठीक है, कॉइल को जो है एक दूसरे से शॉर्ट कर लेना है जम्पर वायर के माध्यम से। उसके बाद वायर को यहाँ से कट कर दें। उसके बाद जैसे रेपर को निकाले थे वैसे इसको पिक कर देना है। फिर हम फोन को स्टार्ट करते हैं। कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, तो आपका प्रॉब्लम 100% यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। आप भी सेम इसी तरह करें, आपका भी प्रॉब्लम 100% सही हो जाएगा। ठीक है, आपको भी सेम इसी तरह करना है, एक दूसरे से वहाँ पे जम्पर वायर के माध्यम से एक दूसरे को शॉर्ट कर देना है, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा।